खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए KNN मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। बीजेपी की वर्चुअल रैली पर पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने साधा निशाना, कहा मुख्यमंत्री में जनता का सामना करने की ताकत नहीं, इसलिए पर्दे के पीछे कर रहे रैली। आज देश में कोरोना महामारी ने जनता की कमर तोड़ रखी है, आज मजदूर बेरोजगारी की मार झेल रहा है, देश में भूखमरी छाई है, वहीं आज बीजेपी पर्दे के पीछे की रैली की राजनीति करने का क्या पड़ी है। वर्चुअल रैली का मतलब पर्दे के पीछे रहकर जनता का सामना करना। कुलदीप शर्मा ने कहा कि बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी बिहार पश्चिम बंगाल जाकर चुनावी सभा नहीं वाद में वोट मांगने में लगे, ममता पर हमला बोल दिया, देश की आर्थिक दशा और दिशा बिगड़ती ही जा रही है, इनको पर्दे के पीछे राजनीति सूझ रही है, पिछले 5-6 साल के वादे पूरे नहीं किए, आज ये अपनी उपलब्धियां गिनाने की बात करते हैं। कुलदीप शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी करनाल आकर भी लोगों की अपनी हलके की बात सुन लो, यहाँ लोगों को छोड़ आप पर्दे के पीछे जनता से मिलने की बात कर रहे हैं। K9 मीडिया के लिए करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट। MSME के लोगों की कमर टूट चुकी है, आर्थिक तंगी से बेहाल है, नौजवान बेरोजगारी की ओर बढ़ रहा है, मजदूर पलायन कर रहे हैं, स्थितियां गंभीर हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपया खर्च करके वर्चुअल रैली का आयोजन कर रहे हैं। ये करोड़ों रुपया गरीबों की मदद में इस्तेमाल किया जा सकता था और गरीब फिर भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करता कि भाई हमारे लिए कुछ किया गया है, ये जो 10 करोड़ रुपया खर्चा जा रहा है, करोड़ों रुपया ये रैली पर खर्च करके नहीं बल्कि हमारे ऊपर खर्च किया है। ऐसी परिस्थिति अगर बनती तो इस रैली तो परिस्थितियाँ कुछ और होती, लेकिन आज पिछले 5 महीने से हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जनता से मुंह छुपाए हुए, जितनी बार सामने आए टेलीविजन के माध्यम से आए, चैनल्स पर दिखाई दिए हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, जब गरीब घर छोड़ के जा रहा था, जब मजदूर पलायन कर रहा था, जब नौजवान की नौकरी छूट रही थी, जब छोटे व्यापारी की कमर टूट रही थी, तब मुख्यमंत्री कहीं लोगों के बीच में नहीं आए, आज वर्चुअल रैली कर रहे हैं। वर्चुअल रैली का मतलब है पर्दे के पीछे से, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी में वो शक्ति बाकी नहीं रही है जिसके बल पर वो लोगों के बीच में जाकर रैली कर सके। इसलिए वर्चुअल रैली पर करोड़ों रुपया खर्च कर बर्बाद किया जा रहा है। एक्चुअली ये चुनाव और वोटों की रैली की जा रही है। बिहार में गए थे अमित शाह जी, शुरू में कहा मैं चुनावी सभा में नहीं आया और बाद में वोट मांगने लग गए। बंगाल में गए तो कहने लगे मैं चुनावी सभा में नहीं आया, फिर ममता जी पर आक्रमण कर दिया, कांग्रेस पर आक्रमण कर दिया और ये कहा कि आने वाले समय में सरकार को बदलो पलटो, कोरोना काल। इनको कोरोना काल से, लोगों की तंगियों से, लोगों की जिस घमासान से गुजर रहे हैं उससे लेना देना नहीं है, ये अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये चुनावी राजनीति कर रहे हैं, इनको सरकारें सूझ रही हैं। मुख्यमंत्री जी कभी करनाल आए, कभी आकर यहाँ के लोगों की मिजाज पुरुषी कर जाते, अधिकारियों से ही मिल जाते, चंडीगढ़ में तो मिल रहे हैं लेकिन लोगों के बीच में आने की ना तो क्षमता रही और ना ही धैर्य रहा। इस वजह से इस प्रकार की वर्चुअल पर्दे के पीछे, और पर्दे के पीछे क्या है कौन जानता है, उपलब्धियां गिनाने के लिए बहुत है कि तो कहने पिछले 5 साल के सारे वायदे पूरे करके और भी वायदे कर दिए और उसका नतीजा देख लिया, माइनॉरिटी की गवर्नमेंट बनी, बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार व्याप्त है उस पर बोले मुख्यमंत्री जी वर्चुअल रैली में, जिस प्रकार के घोटाले हुए उस पर बताएं लोगों को,
कि शराब का घोटाला इतना बड़ा हुआ है, उस पर को प्रकाश डालें। मुख्यमंत्री जी प्रकाश डालें जो जो वितरण में घोटाला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इतना बड़ा स्कैम हो गया, उस पर प्रकाश डालें, उस पर बताएं लोगों को इस वर्चुअल रैली के माध्यम से कि हमारे से कहाँ गलती हुई, कौन लूट के खा गया और कौन चोरी कर गया। वो तो कुछ है नहीं, उपलब्धियाँ गिराने आए हैं। मुख्यमंत्री की उपलब्धियाँ हरियाणा की जनता गिनाया करती है। बड़े बड़ा ही न करें, बड़े न बोलें बोल, हीरा रहीमन रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। हीरा कब कहता मैं लाख कहूँ, लोग कहते हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, जिस दिन लोग आपकी प्रशंसा करें, मैं समझता हूँ वो वर्चुअल रैली होगी। ये मुंह छुपाकर, लोगों के बीच में न जाकर, लोगों की कठिन समय में गरीब मजदूर व्यापारी कर्मचारी नौजवान किसान उसकी मुश्किलों को साझा न करके, उनको कोई रिलीफ ना देके, आपने जो हरियाणा की जनता के साथ इस कोरोना काल में अन्याय किया है, उसके लिए हरियाणा आपको कभी माफ़ करने वाले नहीं। वर्चुअल रैली करो, आपके पास जो साधन है लगाओ, करोड़ों खर्चो, हमें कोई इतराज़ नहीं है। क्योंकि आप तो दुनिया की सबसे धनी पार्टी हैं, सबसे धनी लोग हैं आप, खूब भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और भ्रष्टाचार का पैसा लगाओ, हमें कोई इतराज़।